नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों, आज मैं कुछ कैलेंडुला प्लांट्स को रिपोर्ट करने वाली हूँ, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले ये देखिए, मेरे जो हिबिस्कस हैं बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग पर हैं, और ये प्लांट को आप देख सकते हैं, ये वाला फूल कितना बड़ा है। और ये पहले से ये खिला हुआ था, कल खिला हुआ था ये, और ये आज खिला है। और दोस्तों, ये प्लांट को आप देखिए, ये वाला फूल बहुत ही खूबसूरत, थोड़े से रेडिश कलर की वेरिएशन है अंदर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है पंचमुखी का हिबिस्कस, कितना बड़ा है। और यहाँ पर भी एक फूल खिला है। तो इस तरह से दोस्तों, हिबिस्कस में बहुत सारे आज फूल खिले हैं, और रोज़ ही अभी फूल खिल रहे हैं। और ये हाइब्रिड हिबिस्कस हैं, इसलिए ये अभी विंटर में बहुत अच्छी तरह से फूल खिलेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कलांचो ऑरेंज कलर का है, अभी ये ब्लूमिंग पर आ गया है। तो दोस्तों, चलिए फिर देखते हैं मैं आज जो कैलेंडुला के प्लांट्स को रिपोर्ट करने वाली हूँ तो कैसे करती हूँ, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये मेरे प्लांट्स अभी बिल्कुल लगकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको रूटिंग भी दिख रही होगी इस डिस्पोजेबल ग्लासेस में, ये बिल्कुल भर चुके हैं और नीचे से भी निकल रहे हैं। तो ये अभी बिल्कुल तैयार हैं प्लांट में, पॉट में लगाने के लिए। और अगर नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर इसकी ग्रोथ और नहीं अच्छी होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने ये 8 इंच के पॉट लिए हैं, और इसी पॉट में मैं एक एक करके लगा दूंगी। तो दोस्तों, ये इसके मैंने बहुत अच्छी तरह से देखिए छेद भी कर लिए हैं, और इसकी जो छेद है, ड्रेनेज होल है, इसको मैं अच्छी तरह से कुछ ठिकरी लेके, ये जो गमले के टुकड़े होते हैं उनको डाल दूंगी, तो ये इसमें पानी नहीं रुकेंगे फिर। और इस तरह से देखिए, ड्रेनेज होल को इस तरह से कवर करने से दोस्तों बिल्कुल भी पानी ब्लॉक नहीं होता, और अच्छी तरह से ये ड्रेन हो जाता है, नहीं तो फिर मिट्टी से ये ड्रेनेज होल जो है वो कवर हो जाता है, तो फिर पानी नहीं जाता। इस तरह से देखिए, इसके मैंने ड्रेनेज होल को कवर कर लिए हैं। और यहाँ जो मिट्टी मैंने इसके लिए ली है, ये देखिए, ये है गार्डन सॉयल, इसमें कोकोपीट पहले से ही मिला हुआ था, क्योंकि ये मेरा पुराना गार्डन सॉयल है। और इसमें मैंने थोड़ी सी फंगीसाइड ली है, ये देखिए, ये फंगीसाइड है, ये सांप का फंगीसाइड है, कोई भी सिस्टमेटिक फंगीसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इतनी DAP ली है, आधे चम्मच के करीब, और यहाँ पर देखिए 1 चम्मच के करीब ये मैंने ली है सरसों की खली, ये मेरा बहुत पुराना है इसलिए थोड़ा सा काला रंग नजर आ रहा है। और ये देखिए, ये बायो एंजाइम है, सीवीड एक्सट्रैक्ट, तो इसको मैंने 1 मुट्ठी ली है, और ये 1 मुट्ठी के करीब है ली है बोन मिल। तो बोन मिल लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो विंटर प्लांट्स होते हैं उनको फॉस्फोरस की बहुत ज़रूरत होती है। और यहाँ पर ये ली है मैंने बर्मी कंपोस्ट, एक बड़ा सा हिस्सा ली है, तो इसको अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे तो ये जो मिट्टी है, पुरानी मिट्टी है, ये बिल्कुल रिचार्ज हो जाएगी और बहुत ही फर्टिलाइज सॉइल बन जाएगी। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। विंटर के प्लांट जो होते हैं उसको एक ही बार में अच्छी तरह से अगर सॉइल को बना लेते हैं तो पहला जो महीना है वो बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र और देने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर 1 महीने के बाद ही इसमें कोई फर्टिलाइज़र की आप अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो फिर बार बार फर्टिलाइज करना पड़ता है। तो इससे पहले कि हमें फर्टिलाइज़र देने हो, तो उससे पहले हम अच्छी तरह से पहले मिट्टी को ही बना लेते हैं, तो रिच सॉइल अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये प्लांट ग्रो करते हैं। क्योंकि दोस्तों, विंटर प्लांट इतने बहुत कम समय के लिए होते हैं, तो बार बार फर्टिलाइज़र भी देना मुमकिन नहीं हो पाता, इसलिए अगर एक बार हम सॉइल को ही अच्छे से बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरह से ये मिट्टी बन गया है। ये जो पुराने गार्डन सॉइल होते हैं ना, ये इसको मैंने अच्छी तरह से छान ली है, तो छान लेने के बाद ये देखिए बहुत ही अच्छा ये
मिक्सचर तैयार हो जाता है। ये देखिए सॉइल बिल्कुल भुरभुरी सी हो जाती है। ये देखिए अच्छी तरह से इसको मिला लेना है ताकि ये जो हमने फर्टिलाइजर दी है ये चारों तरफ फैल जाए, इवेनली मिक्सअप हो जाए। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी इसको थोड़े से भर देंगे। ये बहुत छोटा सा गमला है इसलिए मैंने इसमें कोई भी गार्डन वेस्ट नहीं डाला है। छोटा सा गमला होता है तो बिल्कुल मिट्टी ही सिर्फ भरना है इसमें। तो पहले इसको इस तरह से देख लेते हैं, थोड़े से और सॉइल लगेगी। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ इसके ये देखिए दोस्तों मैंने बीच में ही ग्लास को रख लिया है और चारों तरफ से ये मिट्टी को अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ। ये देखिए इसको हम पॉट से निकाल लेंगे। इस तरह से लगाने से बिल्कुल प्लांट बीचों बीच रहता है और अच्छी तरह से फिर रिपोर्ट हो जाता है। ये देखिए आज मैं एक हाथ से ही कर रही हूँ, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये देखिए दोस्तों इसकी जो रूटिंग है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी रूटिंग हुई है। और मैंने ये जो सॉइल ली है ये बिल्कुल भुरभुरी सॉइल है तो इसको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है और देखिए कितनी अच्छी तरह से आसानी से ये लग गया है। ये देखिए अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देना है और थोड़े से ऊपर मैं इसकी सॉइल दे देती हूँ। इसी तरह से दोस्तों मैं और जो पांच प्लांट हैं इसको लगाकर आपसे मिलती हूँ। बार बार एक ही चीज़ को करने में थोड़ी सी देर हो जाती है और मैं वैसे भी एक ही हाथ में कर रही हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए इस तरह से मैं और चार जो और पांच जो प्लांट्स हैं इसको लगाकर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने ये प्लांट सारे लगा लिए हैं, ये छह पॉट में लगा लिए हैं मैंने। 8 इंच के पॉट है क्योंकि ये इतने विंटर प्लांट है तो इनकी जो जड़ें हैं ज़्यादा नहीं फैलती तो इसलिए छोटे छोटे पॉट में ही मैंने लगाया है। 8 इंच के पॉट हैं तो इसमें भी मैं थोड़ी थोड़ी पानी दे दूँगी। ये सिंपल वाटर है क्योंकि इनमें मैंने पहले से ही फंगीसाइड दे दी है मिट्टी में तो इसलिए मैं फंगीसाइड नहीं यूज़ कर रही हूँ और सिर्फ पानी ही डाल रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों इस तरह से मेरा रिपोर्टिंग हो गया है और ये वीडियो मैं रखती हूँ यहीं पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।